काल डोसा बनाने के लिए मैं भिगो के रखूँगी अभी। कल मैंने जो चावल भिगो के रखे थे, चावल और दाल एक साथ, देखते तो ठीक है। ये तो अभी बन गया है शायद, मैं इसको अभी मिक्सर में पीस लूँगी। और पीसने से पहले मैं इस आलू को बिठा दूँगी प्रेशर कुकर पर। तो चलिए देखते रहिए। आलू वॉश करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के ढक्कन लगा दूंगी मैं। इधर मैंने प्रेशर कुकर में बिठा दिया है आलू, और यहाँ पे ये चावल मैं अभी देखूंगी हुआ कि नहीं। चावल तो शायद हो गया है, मैंने आप सबको बोला था अभी 2-3 बार इसको पानी से वॉश करना है। वॉश करने के बाद मैं ग्राइंडर में पीस लूँगी। मैंने सब पीस लिया है, अभी यहाँ पे मैं डालूँगी तेल, बहुत सारा तेल, और डालूँगी नमक 2 टीस्पून और थोड़ा सा सोडा। ये मैंने मिक्स करके फ्रीज में डाल दिया है। और इधर नारियल को काटना है और इसको ग्राइंड करना है। मेरा ग्राइंड भी हो गया है, तो अभी इसके ऊपर लहसुन और मिर्ची मैं डालूँगी। इसको डाल के फिर से मैं पीस लूँगी। तो चलिए अभी मैं नारियल के लिए तड़का लगाऊँगी, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड और कड़ी पत्ता। ये हो गया है, अभी मैं डाल दूँगी यहाँ पे। ये खोलने रे इतना हार्ड है ना, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट डाल दूँगी ऐसे ही। हाँ, मेरा हो गया है तड़का लगाना। नारियल का चटनी तो मेरा हो गया है। तो अभी ये आलू को मैंने जो रखा था ना प्रेशर कुकर में डाल के, वो अभी मैं निकाल दिया है। ये बहुत गर्मी है, मैं उसको मतलब टच नहीं कर पा रही हूँ, इतना गर्म है। फिर भी मैंने पूरा छील लिया है, जल्दी करना है, अभी देर बज रही है टाइम। तो चलिए, मेरे पास एकदम से टाइम नहीं है, इसीलिए मिनी चॉपर में अभी मैं ऑनियन और ग्रीन चिली पीस रहा हूँ। तो देखिए, सब्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई बिठा दिया है और अभी तेल डाल दूँगी। तेल गरम हो गया है, अभी मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड सीड्स और जीरा और ड्राई चिलीज और कड़ी पत्ता। अभी डाल दूँगी मैं ग्रीन चिली और ऑनियन, 1 टीस्पून हल्दी। ऑनियन पूरा ब्राउन होने तक इसको भून दूँगी। हाँ, ब्राउन हो गया है अभी। इसको मैं पटरपट आलू डाल के ऐसे ही मैश कर लूँगी। इसे पूरा मैश कर लिया है। यहाँ पे मैंने नमक डालना भूल गया, पहले ही देना चाहिए था नमक। और फिर भी कुछ नहीं होगा, मैं अभी ऐसे डालूँगी तो मैंने अभी डाल दिया है। सब्जी तो उधर मैंने सब बना लिया, और अभी मैं बना रही हूँ डोसा। देखते पूरा गोल अच्छे से नहीं बना नहीं पाती हूँ। तो ये हो गया, मैंने सब मसाला भी डाल दिया है। इसको राउंड करके फोल्ड कर मतलब फोल्ड करना है। और चलिए, अब हो गया रेडी।